नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। आज के लेसन में हम सीखेंगे कैसे आप कस्टम रेलिंग बना सकते हैं, बालूस्टर और टॉप रेल, बॉटम रेल कस्टमली कैसे बना सकते हैं। आप देख पाएंगे इस इमेजेस में, तो इस टाइप की अगर हमें रेलिंग बनानी है, इस टाइप के हमें बालूस्टर बनाने हैं, तो किस तरीके से हम उसे डिजाइन कर सकते हैं इन रेविट आर्किटेक्चर, कुछ इस टाइप की जैसे आपके बालूस्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रेविट पे सबसे पहले फैमिली बनानी है, बालूस्टर की अलग, टॉप रेल की अलग एंड बॉटम रेल की अलग, ताकि हम उसे रेलिंग में यूज कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फैमिली पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फैमिली। और हम मैट्रिक में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सबसे पहले मैट्रिक बालूस्टर। मैट्रिक में एमएम में काम करेंगे। मैट्रिक बालूस्टर पे आप क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, तो आपकी बालूस्टर की फैमिली यहाँ पे ओपन हो जाती है। अभी जिस व्यू से आप देख रहे हो वो है लेफ्ट व्यू, आपका लेफ्ट व्यू है। आप इसे रेफरेंस लेवल से देखेंगे तो आप टॉप व्यू से देख पाएंगे, आप यहाँ पे बैक से देख पाएंगे, लेफ्ट से देख पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट व्यू से ओपन होता है। जो यहाँ पे कुछ रेफरेंस प्लेन दिए गए हैं, ये रेफरेंस प्लेन है जिसका नाम है फ्रंट, बैक, सेंटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रेफरेंस प्लेन दिए गए हैं और यहाँ पे बालूस्टर हाइट मेंशन की गई है 750 mm। तो इसके बीच में हमारा बालूस्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट को डिजाइन करते हैं, जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का पार्ट है ऊपर और नीचे। डायमेंशन देखो आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपके डिजाइन है किस टाइप से आप बालूस्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, अब देखो आप लेफ्ट व्यू पे हो, और या तो देखो हम एक काम करेंगे कि रेफरेंस प्लेन पे जाएंगे, एक्सट्रूजन पे क्लिक करेंगे, और अब हम सेट करेंगे प्लेन, क्योंकि हमें लेफ्ट व्यू से काम करना है। तो पीके प्लेन पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेफरेंस प्लेन पे, और आप लेफ्ट व्यू पे यहाँ पे चले जाएंगे। या फिर आप लेफ्ट व्यू पे ही हैं तो आप क्या करना है, आपके बीच वाले जो रेफरेंस प्लेन है उसका नाम है फ्रंट सेंटर, तो आप यहाँ पे एक्सट्रूजन पे क्लिक करें, नेम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें और इसे कर दें रेफरेंस प्लेन सेंटर, लेफ्ट और राइट से मुझे काम करना है, एंड ओके। तो आप सेम व्यू से यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से लिया 100, नीचे मैं यहाँ पे जाता हूँ मान लो 80, इधर मैं जाता हूँ 200, और ये मैंने टॉप वाला पार्ट यहाँ पे बना दिया। सेम मुझे नीचे चाहिए, या तो मैं नीचे भी एज इट इज बना सकता हूँ, वरना आप इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी, क्लियर है। अब इसके बीच में बनाना है मुझे पार्ट बालूस्टर का, बट उससे पहले मुझे इसे फिनिश करना पड़ेगा। फिनिश करने के बाद आप देख पाएंगे इस तरीके का आपके दो बॉक्सेस बन गए। अगर आप फ्रंट से देखते हो तो वो इस साइड में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में ही जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका एक्सट्रूजन हम डाल देंगे कि मेरे को 100 का ही चाहिए, तो ये 100 की थिकनेस का ही बनेगा। अब अगर फ्रंट से जाके देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे ये सेंटर में नहीं है। सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूजन स्टार्ट हम करेंगे -100 से, ताकि वो सेंटर में इस तरीके से आ जाए। अगर आप 3D में जाके देखेंगे तो इस टाइप का मैंने बालूस्टर का ऊपर और नीचे का बनाया यहाँ पे, क्लियर है। इसके बीच में दोबारा से जाने के लिए हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे रिवॉल्व की हेल्प से बालूस्टर को रेडी करेंगे। तो आप रिवॉल्व कमांड लेंगे, सेम सेट ए प्लेन, नेम पे क्लिक करें, यहाँ पे करें सेंटर लेफ्ट राइट, ओके। ओके करने के बाद आप सेंटर से यहाँ पे जा सकते हैं, मान लो मैंने लिया यहाँ पे 50, एंटर। आप नीचे आ सकते हैं यहाँ पे कि मैंने किया यहाँ पे 40, एंटर। अब आप यहाँ पे एक आर्क बना सकते हैं, ये आपकी डिजाइनिंग है किस तरीके से आप डिजाइन करना चाहते हो। 40 का मैंने आर्क लेके यहाँ पे डिजाइन की, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम मेरे को नीचे भी चाहिए, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ पहले यहाँ पे ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके मैं मिरर कर देता हूँ, मिरर ड्रॉ एक्सिस, और यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ ऐसे, क्लियर है। अब और डिजाइनिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फिलेट कर देता हूँ, ताकि नीचे का पोर्शन मुझे कुछ इस तरीके से क्लासी सा चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, कोई अराउंड 30, और यहां से भी मैं आ जाता हूँ 30। अब मैं लेता हूं यहां से आर्क और इन दोनों को यहां से क्लिक करके और इस टाइप के स्ट्रक्चर बना देता हूँ कुछ ऐसा, क्लियर है। अब मैं एक्सिस लाइन लेता हूँ, इस एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे को रिवॉल्व करना है। तो आप फिनिश करेंगे तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रिवॉल्व करेगा। अब आप 3D पे जाके देखेंगे
तो कुछ इस तरीके का आपको अपना बालूस्टर यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर है? किसी भी टाइप की डिजाइनिंग हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने एक बालूस्टर को यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद हम इस प्रोफाइल को ज्वाइन करेंगे। अब ये अलग प्रोफाइल है, ये अलग प्रोफाइल है, हम यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके इन दोनों को क्लिक करेंगे ताकि ये दोनों प्रोफाइल ज्वाइन हो जाए यहाँ पे। उसके बाद हम इस पे मटेरियल डालेंगे। आप प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, मटेरियल पे जाएं और यहाँ से एक मटेरियल बनाएं, क्रिएट न्यू मटेरियल, और मैं इसको रिनेम कर सकता हूँ। मेरे को चाहिए मान लो वुड, वुड पे क्लिक करें, अपीयरेंस पे जाएं, लाइब्रेरी पे जाएं, वुड पे क्लिक करें, और मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक वुड ले लेता हूँ, ट्रांसफर किया इसे और ग्राफिक में भी इसे यूज रेंडर अपीयरेंस, ओके। तो आपका मटेरियल लग गया। अगर आप रियलिस्टिक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका मटेरियल भी अच्छे से नजर आएगा। क्लियर है? कुछ इस तरीके से। ये बनाने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ एज ए बालूस्टर। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ बालूस्टर। ये रेविट फैमिली सेव हो जाएगी आपकी, तो आप इसे सेव करें। अब आपको क्या करना है, मान लो मैं ये दूसरे व्यूज नहीं चाहिए, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब मेरे को टॉप रेल बनाना है, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, एक फैमिली ओपन करें और यहाँ पे आपको मिलेगा मैट्रिक प्रोफाइल रेल, आपको ये ओपन करना है एंड ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टॉप रेल बनाएं। टॉप रेल के लिए मैंने लाइन यहाँ से ली और यहाँ से मैं अराउंड 150 चलता हूँ और हाइट देता हूँ मैं यहाँ से। टॉप रेल बना रहे हैं तो टॉप की तरफ जाएंगे हम, यहाँ से हम करके 300 ऐसे हम इस चीज को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम फिलेट लगा देंगे रेडियस 25 का इस तरीके से। ये जो चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कर्व क्या है कि आप दिखाता हूँ मैं इमेजेस में, जो टॉप रेल बनेगा तो उसपे जो कर्व आएगा, इसमें भी आप अपने तरीके से डिजाइन दे सकते हैं किस टाइप का आपको कर्व चाहिए। कि ये वाला प्रोफाइल, हम ये वाला प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, सेक्शन व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये वाला प्रोफाइल हम यहाँ से क्रिएट किया। आप ये कोई भी डिजाइन आपका यहाँ पे हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसे और इसका नाम रख दिया टॉप रेल, ओके। आप यहाँ से डायरेक्टली लोड इनटू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नहीं, उसको भी हम करेंगे। एक और फैमिली ली, रेल फैमिली, ओपन। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से हम एक लाइन लेंगे और यहां से हम जाएंगे 300 क्रिएट लाइन, 150 जाना है, टोटल 300 चाहिए ना, 150। नीचे मैंने लिया यहाँ पे 50, यहाँ पे मैं लेता हूँ 300, यहाँ पे 50 और इसे मैंने क्लोज किया। उसके बाद क्रिएट लाइन और आप यहाँ पे फिलेट डाल सकते हैं, अगेन रेडियस 25, कुछ इस तरीके से। इसको बनाने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बॉटम रेल। आप इसे प्रोफाइल को सेव करें ताकि आप बाद में भी इन प्रोफाइल को कभी भी यूज कर पाए, वरना दोबारा से आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपके तीनों प्रोफाइल रेडी हैं। अब मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, कोई भी डिफॉल्ट इंपीरियल मैट्रिक, कोई भी डिफॉल्ट इंपीरियल लिया मैंने, तो आपकी जो यूनिट्स होंगी वो फिट इंचेस में होंगी, तो मैं यू एन प्रेस करके पहले लेंथ को यहाँ पे कर लेता हूँ एमएम। क्लियर है? ओके एंड ओके। उसके बाद करना क्या है आपको, अब आप यहाँ पे रेलिंग पे जाएं। अब रेलिंग से पहले अगर आप यहाँ पे रेलिंग पे जाते हैं और यहाँ से उसको एडिट करते हैं किसी भी प्रोफाइल को, और एडिट पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को वो वाला प्रोफाइल नजर नहीं आएगा जो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं उस प्रोफाइल को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट आप तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप डायरेक्टली व्यू पे जाएं, बालूस्टर टॉप रेल, और डायरेक्टली आप कर दें लोड इन टू प्रोजेक्ट, या फिर क्लोज भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट 7 में इसे लोड करें और इसे क्लोज कर दें। अब ये आपका यहाँ पे लोड हो गया, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, इंसर्ट पे जाएं, लोड फैमिली पे क्लिक करें और ये वाले जो प्रोफाइल है सिलेक्ट करें, ओपन कर दें, ये आपके प्रोफाइल आपके फैमिली में लोड हो जाएंगे। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है कि जो डेस्कटॉप पे जहां पे भी आपने सेव किया है उसको ड्रैग करके आप इस पे छोड़ दें, तो आपका वो प्रोफाइल फैमिली में आपको शो होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब रेलिंग पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ से कोई भी एक रेल चूज की है, एडिट टाइप पे गया हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया माई रेल एंड ओके। ओके करने के बाद मैं एडिट पे क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कस्टम अपनी रेडी करनी है।
दो मैंने इंसर्ट की और इसका नाम रखा मैंने टॉप रेल और इसको मैंने दिया बॉटम रेल। क्लियर है? अब हम यहां पे प्रोफाइल यूज करेंगे। यहां पे टॉप रेल पे चाहिए हमें टॉप रेल। देखो अब आपका यहां पे टॉप रेल आपको शो हो रहा है। बॉटम पे चाहिए मेरे को बॉटम रेल। बॉटम रेल चूज करेंगे यहां से और आप यहां से मटेरियल जो वुड का मैंने डाला था उसको ही आप ओके करेंगे और इस पे भी आप वुड का मटेरियल सेम मटेरियल डाल दें। हाइट कितनी रखनी है टॉप रेल की? जो आपकी रेलिंग की हाइट थी जब आपने बनाया था तो थी 750, तो हम यहां से 750 रखेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद बालूस्टर प्लेसमेंट पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहां से बालूस्टर की फैमिली को हम चेंज कर देंगे उस फैमिली में जो हमने बालूस्टर की बनाई थी। बालूस्टर पे क्लिक करें। यहाँ पे है बेस, बेस है होस्ट, हम इसे क्लिक करके कर दें बेस को बॉटम पे और टॉप को कर दें यहाँ से टॉप पे। और दोनों बालूस्टर के बीच में कितना आपको डिस्टेंस चाहिए वो आप यहाँ से चेंज करके मान लो मैंने कर दिया 400 mm। और इस 400 mm के अकॉर्डिंग जस्टिफाई में जाके आप कर दें स्प्रेड पैटर्न टू फिट, की फिट हो जाए कंप्लीट पैटर्न। उसके बाद बालूस्टर फैमिली में जाए यहाँ पे, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे कर दे बालूस्टर। यहाँ पे तीनों पे आप वही बालूस्टर चूज कर दें जो आपने बनाए थे, वरना आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो पोस्ट के लिए कि कॉर्नर कैसे आए मेरे बालूस्टर के, स्टार्टिंग पोस्ट कैसी आए और एंड पोस्ट कैसी आए। तो तीन बालूस्टर फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट करके आप यहाँ पे अलग अलग चूज कर सकते हैं। बेस को आप कर दें यहाँ पे बॉटम पे और टॉप को कर दें आप टॉप पे, क्योंकि वो अटैच हो जाएंगे आपके टॉप टॉप से बॉटम बॉटम से। इतना करने के बाद आप करें ओके, और ओके करने के बाद टॉप रेल आपको नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर दें यहाँ पे। हैंड रेल आपको नहीं चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करके नन कर दें। और बस इतना करने के बाद आप करें यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपका एक माई रेल करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप किसी भी टाइप की यहाँ पे रेलिंग बनाएंगे, मान लो आपने एक यहाँ पे ये बनाया, उसके बाद आपने आर्क ली, ये आपने आर्क बनाई, फिर आपने यहाँ से ये बनाया, फिर आपने आर्क ली, कुछ इस टाइप से अगर आप रेलिंग बनाना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पे आप फिनिश करेंगे इसे तो आप देख पाएंगे, फिनिश करें फिनिश तो आप देख पाएंगे आपका कुछ इस टाइप के रेलिंग यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। आप यहाँ से रियलिस्टिक कर सकते हैं और यहाँ से इजीली देख सकते हैं अपनी रेलिंग को कि किस टाइप से आपकी यहाँ पे रेलिंग बन पाई है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आप डिटेल को कर दो फाइन ताकि बिल्कुल फाइन डिटेल में आप अपनी रेलिंग को यहाँ से देख पाए, कुछ इस तरीके से आप अपनी रेलिंग को यहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर है? तो ये थी आपकी रेलिंग कि कैसे आप रेलिंग कस्टम रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप की आप कैसी भी रेलिंग आप रेडी कर सकते हो इन रेविट आर्किटेक्चर। इनकी जगह आप कोई और प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, कोई और मटेरियल यूज कर सकते हो एक कस्टम रेलिंग को बनाने के लिए। तो ये था आज के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल थी, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। हम लाइक का एम करते हैं 300 लाइक का। तो आशा करता हूँ ये एम आप कंप्लीट करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। सो अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।